हेलो दोस्तों, अगर आप अपना करियर आईटी फील्ड के अंदर बनाना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए यूट्यूब ओपन कीजिएगा, यहाँ पर सर्च बार में विशेष मलिक टाइप कीजिएगा तो सबसे पहले मेरा चैनल का ही आपको लिंक दिखाई देगा। चैनल पर आने के बाद यहाँ पर सब्सक्राइब पर क्लिक कीजिए। सब्सक्राइब पर क्लिक करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन को चेक मार्क कीजिए सेव, ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको डिस्प्ले हो जब भी मैं कोई भी अपनी नई वीडियो अपलोड करूँ। अब सब्सक्राइब करने के बाद यहाँ पर प्लेलिस्ट पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ पर विंडोज सर्वर 2012 की हिंदी में वीडियो देख सकते हैं, जो कि 126 है। सीसीएनए स्विचिंग 41, सीसीएनए राउटिंग 72, ये बहुत सारी वीडियो। दोस्तों, मेरा चैनल जो है वे वर्ल्ड का सबसे बड़ा चैनल है विंडोज सर्वर 2012 की वीडियोस का। हेलो दोस्तों, मेरा नाम विशेष मलिक है। इस वीडियो में हम लोग लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की इंस्टॉलेशन कमांड प्रॉम्प्ट के द्वारा डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसे दोस्तों, लास्ट वीडियो के अंदर हम लोग इंस्टॉलेशन कर रहे थे RHEL 7 की किसी भी मशीन के अंदर, तो उसके अंदर हम लोगों ने फर्स्ट थ्री ऑप्शन सेलेक्ट कर लिए थे, जैसे कि टाइम जोन हमने सेलेक्ट किया था, सेकंड ऑप्शन को हमने एज इट इज रहने दिया था इंस्टॉलेशन सोर्स को, देन थर्ड ऑप्शन के अंदर हमने सॉफ्टवेयर सिलेक्शन के अंदर सर्वर विद GUI ऑप्शन को सेलेक्ट किया था। इसके बाद अब आता है फोर्थ ऑप्शन, यहां से हम लोग इंस्टॉलेशन को कंटिन्यू कर रहे हैं। दोस्तों, इंस्टॉलेशन डेस्टिनेशन ये फोर्थ ऑप्शन है, इसके अंदर हम लोग अपनी मशीन के अंदर हार्ड डिस्क को सिलेक्ट करेंगे जिसके अंदर हम लोग लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना चाहते हैं। तो हार्ड डिस्क सिलेक्ट करने के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी डिस्क सिलेक्ट नहीं है, तो इसके लिए आप फोर नंबर प्रेस कीजिए अपने कीबोर्ड से, जस्ट फोर नंबर प्रेस कीजिएगा और एंटर की प्रेस कीजिए। एंटर की प्रेस करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं वन डिस्क सिलेक्टेड, जिसका टोटल साइज है 500 GB और कंप्लीट स्पेस जो है वो फ्री है, और यहाँ पर आपकी डिस्क जो है वो ऑलरेडी सिलेक्टेड है, देख सकते हैं आप यहाँ पर। तो अब यहाँ पर आप जस्ट सी प्रेस कीजिए फॉर कंटिन्यू, सी प्रेस किया देन एंटर की प्रेस कीजिए। एंटर की प्रेस करने के बाद आप यहां पर यूज ऑल स्पेस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, जो कि ऑलरेडी सिलेक्टेड है, और अगेन आप सी प्रेस कीजिए फॉर कंटिन्यू। देन अब आपके सामने ऑप्शन है LVM के अंदर आप वॉल्यूम्स और पार्टीशन क्रिएट करना चाहते हैं या स्टैंडर्ड पार्टीशन क्रिएट करना चाहते हैं, तो आपको यहां पर थर्ड ऑप्शन सिलेक्ट करना है। तो उसके लिए आप नंबर थ्री प्रेस कीजिएगा अपने कीबोर्ड से और एंटर की प्रेस कीजिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर थर्ड ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट हो गया है, स्टैंडर्ड पार्टीशन, और अगेन कंटिन्यू करने के लिए आप सी प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड से, एंटर की प्रेस कीजिए, और दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं फोर्थ ऑप्शन जो है ऑटोमेटिक पार्टीशन सिलेक्टेड, ये कन्फिगर हो गया है। फोर्थ ऑप्शन कॉन्फ़िगर करने के बाद अब यहां पर आता है फिफ्थ ऑप्शन, नेटवर्क सेटिंग। दोस्तों, ये रिकमेंडेड नहीं है कि आप इंस्टॉलेशन के टाइम पर ही नेटवर्क सेटिंग को भी कॉन्फ़िगर करो, आप इसे बाद में भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो, और चाहे तो आप अभी भी आप इसे कॉन्फ़िगर कर सकते हो, लेकिन अभी के लिए मैं इसको एज इट इज रहने देता हूं। और सिक्स्थ ऑप्शन पे जाइएंगे, यहां पर आता है क्रिएट यूजर। अब हम लोग यहां पर कोई एक यूजर क्रिएट करेंगे, इसके लिए आप सिक्स नंबर प्रेस कीजिए अपने कीबोर्ड से और एंटर की प्रेस कीजिए। सबसे पहले आप क्या करना चाहते हैं, यूजर क्रिएट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको वन प्रेस करना है ताकि ये ऑप्शन सिलेक्ट हो जाए यूजर क्रिएट करने के लिए। आप अपने कीबोर्ड से वन प्रेस कीजिए देन एंटर की प्रेस कीजिए, और आप जैसे आप वन प्रेस करते हैं तो ये फर्स्ट ऑप्शन जो है सिलेक्ट हो जाएगा। अब आप यूजर क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आप फुल नेम डिसाइड करेंगे अपने यूजर का, तो उसके लिए आप नंबर टू प्रेस करेंगे, जस्ट नंबर टू प्रेस कीजिए एंटर। यहां पर आप एंटर न्यू वैल्यू फॉर फुल नेम एंड प्रेस एंटर। तो मैं यहां पर दोस्तों प्रीत के नाम से एक नया यूजर क्रिएट कर रहा हूं। यूजर नेम टाइप करने के बाद आप अपने कीबोर्ड से एंटर की प्रेस कीजिए, और आप यहां पर अगेन देख सकते हैं फुल नेम के अंदर प्रीत आ चुका
चुका है और यूजर नेम के अंदर भी प्रीत आ चुका है। अब हम लोग इस यूजर के लिए पासवर्ड सेट करेंगे। तो पासवर्ड सेट करने के लिए आप नंबर 4 प्रेस कीजिए, अपने कीबोर्ड से एंटर की प्रेस कीजिए, ऑप्शन सेलेक्ट हो गया है यूज पासवर्ड, और पासवर्ड डिसाइड करने के लिए आप नंबर 5 प्रेस कीजिए, कीबोर्ड से नंबर 5 प्रेस कीजिए एंटर। अब यहां पर आप प्रीत यूजर के लिए लॉग ऑन पासवर्ड डिसाइड कर सकते हो। पासवर्ड टाइप करते हुए दोस्तों आपको ऑप्शन दिखाई नहीं देगा, जस्ट वो हाइड रहेगा पासवर्ड। एंटर की प्रेस कीजिए। अब आप अपने पासवर्ड को कंफर्म कीजिए, यानी कि अपने पासवर्ड को आप रीटाइप कीजिए, एंटर की प्रेस कीजिए। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक आपको नोटिफिकेशन डिस्प्ले हो रहा है, यू हैव प्रोवाइडेड अ वीक पासवर्ड, वुड यू लाइक टू यूज इट एनी वे। क्योंकि मैंने जो प्रीत यूजर का पासवर्ड डिसाइड किया है वो एक वीक पासवर्ड है, क्या आप कंटिन्यू करना चाहते हैं? यस, मैं कंटिन्यू करना चाहता हूँ उसी वीक पासवर्ड के साथ। एंटर की प्रेस कीजिए और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पासवर्ड भी सेट हो गया है। दोस्तों अब अगर आप प्रीत यूजर को एज अ एडमिनिस्ट्रेटर भी यूज करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं 6 नंबर प्रेस करके। मैं इसको एज इट इज रहने देता हूँ, यानी कि मैं अपने प्रीत यूजर को एज अ स्टैंडर्ड यानी कि एक नॉर्मल यूजर की तरह यूज करना चाहता हूँ। और चाहे तो आप यहीं से ही प्रीत यूजर को आप किसी अनदर ग्रुप के अंदर भी ऐड करा सकते हो। तो दोस्तों यहां पर हमने एक प्रीत नाम का यूजर क्रिएट किया है और उसको पासवर्ड असाइन किया। अब इसके बाद ये सब करने के बाद आप यहां पर सी प्रेस करेंगे, कंटिन्यू करते हैं, सी एंटर, और आप यहां पर देख सकते हैं यूजर प्रीत विल बी क्रिएटेड। तो दोस्तों यूजर क्रिएट करने के बाद अब हम लोग यहां पर रूट यूजर का पासवर्ड डिसाइड करेंगे या सेट करेंगे, उसके लिए हम लोग नंबर 7 प्रेस करेंगे। तो आप अपने कीबोर्ड से नंबर 7 प्रेस कीजिए और एंटर की प्रेस कीजिए। अब यहां पर आप रूट यूजर के लिए पासवर्ड डिसाइड कीजिए, आप अपने कीबोर्ड से जो भी आप पासवर्ड रखना चाहते हैं वो टाइप करके एंटर की प्रेस कीजिए और अगेन उसे आप कंफर्म कर दीजिए। यहां पर अगेन वही सेम ऑप्शन दे रहा है कि यू हैव प्रोवाइडेड अ वीक पासवर्ड, वुड यू लाइक टू यूज इट एनीवे। यस, मैं वीक पासवर्ड ही यूज करना चाहता हूँ, टाइप करके आप एंटर की प्रेस कर दीजिए। और आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों पासवर्ड इज सेट फॉर रूट यूजर। तो ये दोस्तों हमने सभी ऑप्शंस को जो है वो सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। इतना करने के बाद हम लोग एक बार इस स्क्रीन को रिफ्रेश करने के लिए आर प्रेस करते हैं ताकि देख सकते हैं कि सभी ऑप्शन जो है वो प्रॉपरली कन्फिगर हो चुके हैं। अब हम लोग इंस्टॉलेशन को कंटिन्यू करने के लिए बी प्रेस करेंगे। आप यहां पर देख सकते हैं बी टू बिगिन इंस्टॉलेशन, और आप अपने कीबोर्ड से बी प्रेस कीजिए और एंटर की आप प्रेस कर सकते हैं और इंस्टॉलेशन जो है वो कंटिन्यू हो जाएगी। आप यहां पर देख सकते हैं ये पार्टीशंस वगैरह क्रिएट किए जा रहे हैं आपकी मशीन पर और स्टार्टिंग पैकेज इंस्टॉलेशन प्रोसेस। तो दोस्तों जब तक ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट होती है तब तक मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ, क्योंकि इस इंस्टॉलेशन को कंप्लीट होने के लिए करीब 7 to 8 मिनट्स का टाइम लगता है। तो तब तक मैं वीडियो को पॉज करता हूँ, उसके बाद अगेन हम लोग वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इंस्टॉलेशन जो है वो कंटिन्यू हो चुकी है और यहाँ पर कुछ पैकेजेस जो है वो इंस्टॉल किए जा रहे हैं। जो जो पैकेज इंस्टॉल किया जा रहा है उसी का नेम भी आपको डिस्प्ले हो रहा है, और मैंने लास्ट वीडियो के अंदर भी आपको बताया था कि जब हम लोग सर्वर विद जीयूआई ऑप्शन सेलेक्ट करके एंड ग्राफिकल मोड के द्वारा या फिर ग्राफिकली इंस्टॉलेशन करते हैं, यानी कि अपनी मशीन को अगर आप कमांड के द्वारा और ग्राफिकली ऑपरेट करना चाहते हैं तो इसके लिए हम लोग सर्वर विद जीयूआई ऑप्शन सेलेक्ट करके इंस्टॉलेशन कंटिन्यू करते हैं। और सर्वर विद जीयूआई ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद आपकी मशीन के अंदर टोटल 1189 पैकेज इंस्टॉल होते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये मैंने लास्ट वीडियो के अंदर भी आपको बताया था। तो 1189 पैकेज में से अभी अराउंड 130 पैकेज जो है वो इंस्टॉल हो चुके हैं। तो जब तक ये कंप्लीट 1189 पैकेज कंप्लीट इंस्टॉल होते हैं तब
तब तक मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ और उसके बाद अगेन हम लोग कंटिन्यू करेंगे।